नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। यूक्रेन के मारियापोल बंदरगाह का घेरा डाले रूसी सैनिकों के एक जनरल की युद्ध में जान चली गई है। उनके शव को सेंट पीटर्सबर्ग में शनिवार को दफनाया गया। गवर्नर ने यह जानकारी दी। रूस के मेजर जनरल व्लादिमीर फ्लोरोव 8वीं सेना के उप कमांडर थे। रूसी मीडिया के अनुसार सेना की यह टुकड़ी मारियापोल में हफ्तों में तैनात रूसी सैनिकों में शामिल है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज करते हुए अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी ने बताया कि इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और एक नागरिक सहित 9 लोग घायल हो गए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनावी वादा निभाया और राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। सरकार ने शनिवार को ऐलान किया है कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने 31 दिसंबर तक के कुछ बिजली बिलों को माफ करने का फैसला भी किया है। सीएम मान ने कहा कि अगर कोई घर 2 महीने से 600 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है तो उन्हें पूरे बिल का भुगतान करना होगा। देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने आखिरकार अपनी बेटी का नाम अनाउंस कर लिया है। मालूम हो कि गुरमीत और देबिना हाल ही में पेरेंट्स बने हो और तभी से फैंस उनकी बेटी के नाम को लेकर काफी एक्साइटेड थे। अब गुरमीत और देबिना ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपनी बेटी का नाम बताया है। 3 अप्रैल को जन्मी गुरमीत देबिना की लाडली बेटी का नाम उन्होंने लियाना रखा है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1150 नए मामले आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,42,097 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। मंत्रालय के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 11,558 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार 4 और संक्रमित की जान जाने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,751 पर पहुंच गई है। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने बीते सप्ताह मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद खासा सियासी तनाव खड़ा हुआ था। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोरोना से होने वाली जान गंवाने वालों के आंकलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेथोडोलॉजी पर आपत्ति जताई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए भौगोलिक और जनसंख्या के लिहाज से छोटी आबादी वाले अन्य देश के लिए कोविड से जान गंवाने वालों की दर की गणना में एक भी गणितीय मॉडल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 21-22 अप्रैल को भारत यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली यात्रा है। हालांकि वो प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर आ रहे हैं, फिर भी रूस यूक्रेन युद्ध में बदलती भू राजनीति के मद्देनजर इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने उनकी यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जॉनसन का राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भव्य स्वागत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 22 अप्रैल को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे और द्विपक्षीय संबंध सहयोग और साझा महत्व के वैश्विक पर चर्चा करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने संगठन से वैज्ञानिकों का पलायन रोकने के लिए एक नई योजना बनाई है। इसके तहत डीआरडीओ ने वैज्ञानिकों को तत्काल 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है, जिस पर अंतिम फैसला होना है। मालूम हो कि तमाम प्रयासों के बाद भी डीआरडीओ के वैज्ञानिक का पलायन नहीं रुक रहा था, इसलिए संस्थान ने यह नई योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पाकिस्तानी समाजसेवी बिल्किस बानो ईदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिल्किस अपने समाजसेवी पति स्वर्गीय अब्दुल सत्तार ईदी के साथ समाज सेवा का काम करती थी। बिल्किस बानो ईदी को शुक्रवार को कराची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 74 वर्ष की थी। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में पिछले कुछ दिनों में तेजी से उछाल देखने को मिला है। शनिवार को भी नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 461 नए केस मिले हैं। इसके अलावा संक्रमण की वजह से 2 मरीजों की जान चली गई, वहीं 269 मरीज रिकवर हुए हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट अब 5% के ऊपर पहुंच गई है। शनिवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक में प्रशांत किशोर ने आम चुनाव 2024 की जीत के लिए प्लान 370 का मंत्र साझा किया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्रशांत किशोर ने पार्टी ज्वाइन में हामी भरी है। हालांकि उन्होंने पार्टी में कोई पद नहीं मांगा है। उधर अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने चुनाव के लिए कांग्रेस के हर कदम पर पार्टी नेताओं से चर्चा की, जिस पर राहुल गांधी राजी हो गए हैं। शिंकुला टनल अटल टनल रोहतांग के बाद अब BRO दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी टनल का निर्माण करने जा रहा है। ये टनल कई मायनों में अहम है। यह टनल सीमा तक रसद पहुंचाने का तीसरा और सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। मौजूदा समय में लेह लद्दाख के लिए पहला विकल्प जोजिला पास है, जो पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से सटा है, और दूसरा विकल्प बारालाचा पास है, जो चीन सीमा से सटा है। अब ये तीसरा मार्ग शिंकुला पास में टनल के माध्यम से बनेगा। ये मार्ग दोनों देशों की सीमा से दूर मध्य में होगा। ऐसे में ये मार्ग काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
देश की 10 सबसे मूल्यवान फर्मों में से 7 को पिछले सप्ताह बाजार मूल्यांकन में संयुक्त रूप से 1,32,535.79 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अलावा टॉप 10 कंपनियों में TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, बजाज फाइनेंस और HDFC पिछड़े रहे हैं, जबकि ICICI बैंक, SBI और अडानी ग्रीन एनर्जी लाभ ले रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन मांगे हैं। कॉलेज इन भर्ती अभियान के तहत कुल 79 पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। फिलहाल इन पोस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और 30 अप्रैल तक चलेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो तय समय सीमा के भीतर अप्लाई कर दे, क्योंकि अंतिम तारीख बीतने के बाद अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dsce.du.ac.in पर जाकर लॉग इन करना होगा। शंघाई में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड मामले मिलने के बाद चीन के दूसरे हिस्सों में नियंत्रण और बढ़ा दिए गए हैं। उसका लक्ष्य अत्यंत तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काबू पाना है। मध्य चीन के निर्माण क्षेत्र झेंगझोउ हवाई अड्डा आर्थिक जोन में 14 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। महामारी के ताजा प्रकोप में 500 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। विमल इलायची का नया विज्ञापन सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। इस एड में शाहरुख खान और अजय देवगन के बाद जो तीसरा नाम सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। इस बार विमल इलायची में अक्षय कुमार भी नजर आए हैं। बस फिर क्या था, हंगामा मचना तय था। इस एड के सामने आने के बाद ही उन पर फिल्म निर्माता प्रहलाद निहलानी ने भी निशाना साधा। फर्स्ट पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जहां अक्षय एक आम आदमी को सैनिटरी पैड पर पैसा खर्च करने के बारे में बताते हैं, तो उसे अब से फिल्मों से हटा दिया जाना चाहिए। भगवान राम पर लगातार दिए बयानों को लेकर बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक मांझी ने पुराने विचार को दोहराते हुए कहा था कि मैं भगवान राम को नहीं मानता, राम महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास के काव्य ग्रंथ के महज एक काल्पनिक पात्र थे। बिहार की एनडीए सरकार में शामिल मांझी के इस बयान के बाद राजनीतिक दल मुखर हुए हैं और विरोध किया है। अब हरियाणा में भी मांझी घिर गए हैं। हरियाणा सरकार के गृहमंत्री अनिल विज ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मांझी धरती का बोझ है। माल और सेवा कर परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% की कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा है कि इसके स्थान पर कुछ अधिक खपत वाले उत्पादों को 3% और शेष को 8% की स्लैब में डाला जा सकता है। ज्यादातर राज्य राजस्व बढ़ाने को लेकर एक राय रखते हैं, जिससे उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आधार कार्ड में किसी तरह की गलती होने की स्थिति में आपको इसे तुरंत अपडेट कराने की जरूरत है। देश में बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो अंग्रेजी भाषा ना जानकर केवल अपनी लोकल भाषा जानते हैं। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए UIDAI ने आधार कार्ड को लोकल यानी कि क्षेत्रीय भाषा में भी अपडेट कराने की सुविधा प्रदान की है। अगर आप भी आधार कार्ड को लोकल भाषा में अपडेट करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। IPL के सीजन में RCB के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने तूफानी प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया है। दिल्ली के खिलाफ शनिवार को खेले गए मुकाबले में भी कार्तिक ने 34 गेंदों में नाबाद 66 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बैंगलुरु की टीम मुसीबत में है, लेकिन जैसे ही दिनेश कार्तिक के बल्ले से रन बरसना शुरू हुए वैसे ही मैच का रुख बदल गया। कार्तिक की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत RCB ने दिल्ली को हरा दिया। रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित भव्य समारोह में रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव की पोती वृहति वेंकट अक्षय के साथ परिणय सूत्र में बंधी है। शादी बेहद भव्य अंदाज में देर रात संपन्न हुई। दुल्हन वृहति इनाडू के प्रबंध निदेशक CH किरण और मार्गदर्शी कंपनी की प्रबंध निदेशक CH शैलजा की दूसरी बेटी है। दूल्हा वेंकट अक्षय दंडमूडी अमर मोहनदास और अनीता के पुत्र है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के लिसिचांस्क शहर में तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर से निशाना साधा है, जिसे वहां भीषण आग लग गई। लुहांस के क्षेत्रीय गवर्नर सेरीही ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है कि तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया और आरोप लगाया है कि रूसी सैनिक स्थानीय आपात सेवा को ध्वस्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमले के समय रिफाइनरी में ईंधन नहीं था और तेल सामग्री के अवशेष में आग लग गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने शनिवार को कहा है कि पिछले 24 घंटे में 8 क्षेत्र, पूर्व में दोनेत्स्क, लुहांस्क और खार्किव, मध्य यूक्रेन में निप्रोवस्क, पुलात्वा और किरोवोहिद्र और दक्षिण में माइकोलिव और खेरसोन में रूसी सेना के तरफ से निशाना साधा गया है। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के मामले को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार को हनुमान जयंती पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होकर इस विवाद को हवा दे दी है। राज ठाकरे ने पुणे के मारुति नंदन मंदिर में हनुमान जी की आरती की। बता दें कि ये पहले ही 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर अल्टीमेटम दे चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के लिए मशहूर श्याम रंगीला भले ही 2017 के ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद से मशहूर हो गया हो, मगर सच यह है कि उन्हें इसके बाद से टीवी चैनलों पर शो करने का मौका नहीं मिल रहा है। अपने इस दर्द को लेकर श्याम रंगीला ने ट्वीट कर पीएम मोदी से गुहार लगाई है। बता दें कि श्याम रंगीला अक्सर अपने वीडियो में पीएम मोदी की मिमिक्री कर उन पर व्यंग करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर कहा है कि लाफ्टर चैलेंज के बाद कई बार टीवी शोज को लेकर प्रोड्यूसर से बात हुई, लेकिन अंत में सभी ने यही कहा कि श्याम चैनल आपके लिए इजाजत नहीं दे रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि संजीवनी के जरिए विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान की जा रही है। सरकार ने कहा है कि 1,17,400 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का संचालन शुरू हो गया है। सरकार ने कहा कि वो दिसंबर 2022 तक इस तरह के 1,50,000 केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और 1,00,000 से अधिक लोगों ने ई संजीवनी HWC पोर्टल पर भी पंजीकरण करवाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS अपने भारतीय गुर्गों द्वारा बनाए गए कुरान सर्कल समूह की मदद से भोले भाले भारतीय युवक को कट्टर बनाकर उनकी भर्ती कर रहा है। इसी कड़ी में NIA ने शनिवार को भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए संगठन में शामिल करने के आरोप में शनिवार को मोहम्मद तौकीर महमूद जुहाब हमीद उर्फ शकील मन्ना और मोहम्मद शिहाब के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि पंजाब में आपने मुफ्त बिजली का अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर लिया है, क्योंकि वो अन्य पार्टियों की तरह झूठे वादे नहीं करती है। केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि पंजाब सरकार राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करके उसकी प्रगति के पथ पर लाकर पैसे बचाएगी। मणिपुर में मीडिया संस्थानों ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया कर्मियों ने सरकार और विपक्ष पर विज्ञापन का बकाया भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही धमकी भी दी है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में राजनीतिक खबरों का बहिष्कार किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार संगठन की अगली बैठक 23 अप्रैल को होने जा रही है। फिल्म KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। फिल्म की कमाई ताबड़तोड़ जारी है। यश की फिल्म को देखने के लिए लोगों में दीवानगी दिख रही है। वैसे उनकी एक्टिंग से कोई और है जो काफी इंप्रेस हो गया है, ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत है। कंगना यश के एंग्री यंग मैन वाला अंदाज देखकर उनके लिए पोस्ट लिखती देखी गई। कंगना ने इंस्टा स्टोरी में लिखा, यश एंग्री यंग मैन है जो इंडिया में पिछले कुछ दशकों से गायब था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नेहा सिंह, मृत्युंजय कुमार, सिंगर AKT, आर्यन यादव, मुन्ना यादव, भोला प्रसाद, गजेंद्र सिंह, नुन्नू कुमार, मणिकंदन, मृत्युंजय कुमार, सुमन कुमार, राकेश गुप्ता। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत में COVID-19 के वर्तमान मामलों को देखते हुए और दूसरे देश में लगातार मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए क्या भारत सरकार को दूसरे देश से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा को बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।